नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और जींद से जो गुहाना रोड है बाईपास, जो नेशनल हाईवे बाईपास पांडू पिंडारा ताजमहल जो राजमहल जो होटल है, इसके पास में दो महिलाएं मिली हैं। काफ़ी परेशान लग रही हैं और इनका कहना है कि हम तो मरने तक की नौबत आ गई है। क्या बात होगी जी? ताई जी, क्या बात होगी? भूखे मर रहे हैं बाबू जी। हमने आज 6-7 दिन से न कोई गल्ला मिलता है जी, न कुछ भी मिलता है बाबू जी। कल थोड़ी सा आटा दे गए थे, वही बनाया खाया। और सभी दिन हमारे बच्चे देख रो रहे हैं, सारे रो रहे हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे सारे, और फिर हमारे सारे भूखे मर रहे हैं। बाहर हमें जाने को नहीं मिलता, हमारे छोटे छोटे। हाँ सरकार जी, अब तुम बूझो परमात्मा, घर में पूजो, हमारे बेटा का तो चारा मिले, पशु की चारा मिलना चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो इन महिलाओं का दर्द जो जींद के जो सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम ये सुविधा करवा रहे हैं, जिला प्रशासन जींद से भी हम ये बात मुहैया करवाएंगे, एसएचओ से भी हम आगाह करवाएंगे, बताएंगे कि यहाँ पर ऐसी ऐसी समस्या है। तो जींद जो भी सामाजिक जो संस्थाएँ जो कार्य कर रही हैं, जो भी एनजीओ काम कर रही हैं कि हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, कृपया करके इस बात की तरफ ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर पांडू पिनार पर मकान कहाँ से है आपके? यदि आपके पास किसी को भेजा जाता है तो हमारा पानी पता वैसा। आप कहाँ रहते हो यहाँ पे? आपको खाना यदि आपके पास भिजवा जाए, कहाँ से कहाँ पे भिजवा जाएगा? ये कोठी के पहले पास अच्छा मिलता है ना दूध। ये आप देख सकते हैं पांडू पिंडा जो ताजमहल होटल के पास में, आप यदि राजमहल होटल के पास में आप आगे जाते हैं जी की तरफ में, यहाँ पर इनके मकान है। कितने व्यक्ति रहते हैं आप? कितने व्यक्ति रहते हैं वहाँ पर? चार घर हैं, चार झुगिया रहती है यहाँ पर, जो भी जींद में जो सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। और जिला प्रशासन जींद से भी हम ये मुहैया करवाएंगे, जो ये समस्या है उसको आगाह करवाएंगे कि समस्या का समाधान हो, जो भी गरीबों के लिए जो सुविधाएं जो करवाई जाती है, जो रोटी की जो समस्या उसका समाधान किया जाए। तो जिला प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि ऐसी ऐसी समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों का और इन महिलाओं का दर्द आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। भूखे मर रहे हैं ऐसा इनका कहना है। तो आप जी जी, डंगर भी मर रहे हैं हमारे बच्चे छोटे छोटे, चार हमारे चार बुग्गी खड़ी है, आज 5-6 दिन होना जाता कोई दाना पाते ना। हमारे बच्चे मांगने जाओ क्या? अभी तक आपके पास कोई खाना देने वाला नहीं है? ना तो अपने पैसे की अपना मोल लेके खा ले, पैसे नहीं है, बहुत महागरीब है, बहुत महागरीब, मांगने खाने वाले। हाँ बस डंगर क्या इतने इतने बच्चे, इतने इतने छोटे छोटे, सारे भूखे मर रहे हैं जी जी। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर, हम खुद रामे कलोनी का है, वो जो बाबूजी को जानते हो शमशेर थानेदार, उसके पास हम लगाते थे। तो क्या बोले शमशेर जी? अब वो यहाँ है नहीं, वो तो बाबूजी सिमली में है, डेयरी खुला रखा है, और वकीली ने उसकी बहू वकीली ने कोर्ट में रहती। बिल्कुल, तो इस समस्या से आप परिचित हो गए हैं, हमारी भी जो नज़रों में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे भी हम परिचित करवाएंगे, और यहाँ पे जो जिला प्रशासन उनसे भी हम बताएंगे कि यहाँ पर ऐसी ऐसी समस्या उनका समाधान हो। राम कॉलोनी वाले पूरे जानते हैं हमारे बंदा का, शंकर नाम है। जी 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 जी, हाँ सारे जानते हैं राम कॉलोनी का। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।